सभी सखियों और सखाओं को नीलू का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शरद जोशी की रचना जिसके हम मामा हैं। एक सज्जन बनारस पहुंचे, स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी, मामा जी, लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं, बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना, आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना? वे सोचने लगे। हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं हूँ। अच्छा, हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। फिर पहुंचे गंगा घाट, सोचा नहा लें। मुन्ना, नहा लें? जरूर नहाइए मामा जी, बनारस आए हैं और नहाएंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है। मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का मुन्ना भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना! मगर मुन्ना वहां हो तो मिले। वे तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना? मैं चुनाव का उम्मीदवार, होने वाला MP, मुझे नहीं पहचाना? आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वो शख्स जो कल आपके चरण छूता था आपका वोट लेकर गायब हो गया, वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, वो कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं।